यूट्यूब चैनल। हाँ जी, आज है 13 अगस्त, मगर मैंने 14 अगस्त की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैं जा रही हूँ इस टाइम वॉक करने के लिए। तो मैंने अपना ये ग्रीन कुर्ता जो है ना निकाल लिया, ये मैंने अपना पहन लिया है, और साथ में मैंने वाइट दुपट्टा ले लिया है, और ये मैं ज़रा आस्तीनें ठीक कर लूँ। ये और साथ में मैंने व्हाइट ट्राउज़र भी पहना है, एक मिनट में आपको दिखा। तो ये मेरी तैयारी हो चुकी है। वैसे तो रात में जाना है, यहाँ पे जो है ना मिली नगमे होंगे और रैली निकलेगी और जो है ना फायर वर्क होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं वॉक के लिए जा रही थी, मैंने सोचा मैं अपनी थोड़ी थोड़ी जो मैं तैयारी मैंने अपनी शुरू कर दी है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये है मेरी 14 अगस्त की तैयारी। तो अभी से मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, ताकयामत रखे। आ गई हूँ और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और गाड़ियाँ भी लाइन से खड़ी हो गई हैं और थोड़ी देर में ही रैली निकलने वाली है। Clapping, please. सारे साथ में तालियों की आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जोर जोर तालियां। मैंने देखा पाकिस्तान, जहां से इस धरती पे कुर्बान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। बोलो जरा प्यार से, बोलो जरा प्यार से, बोलो सारी दुनिया सुन ले, दुश्मन भी सुन ले, पाकिस्तान है आन हमारी, पाकिस्तान है शान हमारी, पाकिस्तान पहचान हमारी, पाकिस्तान है प्यार से, पाकिस्तान जरा प्यार से बोलो, पाकिस्तान है प्यार हमारा, पाकिस्तान मुझे वॉइस चाहिए फीमेल्स की। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब चले
ही निकलने वाली है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी है, ये बेचारी गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, तो इनकी वजह से ट्रैफिक रुकी है और उधर रैली चलना स्टार्ट हो गई है। घर पाकिस्तान की सेलिब्रेशन जो फैलकन में हो रही थी वो अटेंड करके 14 अगस्त पे हर साल जो है फैलकन में बहुत अच्छा जो है अरेंजमेंट होता है और बड़ा ख़ूबसूरत सा जो है लोगों ने डेकोरेट भी किया होता है, मिली नगमे होते हैं, फाइव वर्क होता है, रैली होती है और फिर इतना जो सब मैनेज इतना अच्छे तरीके से किया होता है कि आप यकीन जाने कराची में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे मैं घर में अकेली थी तो आराम से वॉक करती हुई गई, सब कुछ अटेंड किया, सब कुछ इंजॉय किया और बस जैसे ही 12 बजे और पाकिस्तान का जैसे ही नारा लगा तो बस एकदम दिल जो है ना, बस पता नहीं एक कुदरती बात है कि एकदम से दिल में जो है ना वो हो जाता है कि वाकई यार बस हमारा मुल्क सलामत रहे और ताक कयामत रहे, अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए और हम सबको भी अल्लाह हिदायत दे कि बस हम अपने मुल्क से ना इतना प्यार करें और बस इस मुल्क में जो भी कमियां हैं वो कोई और दूर नहीं कर सकता, वो आप हम लोगों की दूर कर सकते हैं क्योंकि मुल्क तो बहुत प्यारा है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इस मुल्क में आज़ाद हैं, खुश हैं, हमारे अपने घर हैं, सब कुछ मतलब जो भी है इस मुल्क में, इस मुल्क से ही हमारा नाम है। अब जो कमियाँ हैं उसमें इस मुल्क का कोई कसूर नहीं, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, ये मुल्क तो वाकई बहुत कुर्बानियां दे के बनाया गया और बहुत ख़ूबसूरत मुल्क है, सब कुछ है इस मुल्क में, बस हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क का ऐसा हाल कर दिया, अल्लाह उनको भी हिदायत दे या फिर इनको सजाएं दे। तो बस ये है कि बस बहुत दुआ, फिर भी हम सब दिल से अपने मुल्क से मोहब्बत करते और करते रहेंगे और अल्लाह पाक सलामत रखे ताक कयामत रखे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।